Morning students, today we will discuss the sample paper of CBSE. Yesterday CBSE published the sample paper in CBSE website. So one by one we will discuss all these questions. Load of choices are there. There are three sections, A, B, C. And in these sections, first 25 out of 25, you will have to attempt 20 questions. Next 25 may say again 20 questions. Or last 6 questions may say only 5. Okay. The first question is find the invalid identifiers. देखो बेटा यहाँ पे none का अगर n capital होता तो वो keyword होता. ठीक है. Now, उन्होंने कहा आइडेंटिफायर. सो ये आइडेंटिफायर बन सकता है, एड्रेस बन सकता है, नेम बन सकता है, पास इज ए कीवर्ड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पास. सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द डिक्लेरेशन. तो ये ब्रैकेट्स है तो दिस इज कॉल्ड टपल. ठीक है, ब्रेसिस जो होती है वो टपल होता है. स्क्वेयर ब्रैकेट होती है, दैट इज लिस्ट. तो ये क्या है, इट इज ए टपल. Give a tuple. Tuple is given there. What will be the output of print tuple 1, 3, 7, 2. Means starting from 3, ending is 6. Aur har ka gap kitna hai? 2 ka. Matlab 3, 5 and 3, 5. Do hi aane mein. Theek hai? So 3, 0, 1, 2, 2, 3. 3 mein 40 hai. फाइव में क्या है, 60, 40 एंड 60. ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेनी क्योंकि दिस इज लिस्ट एंड दिस इज ए ब्रेसेस. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन इज इफ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, an error occur. Yes, error occur. If file is not there and you are trying to read the file, there is error. If you are trying to read the text file and does not exist, the file get created. No. Okay. So, uske baad next bhi ye incorrect hai. Next bhi dekh lete. If we are trying to write text file and does not exist, no error occur. Reason is file is created. Agar file nahi bani hoti, file ban jati hai. And last one is if we are trying to write a text file. Does not exist, the file get created. तो वो फाइल बन जाती है. तो एरर मैसेज भी नहीं आता, फाइल भी बन जाती है. पर इन केस यू आर रीडिंग द फाइल एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल गेट क्रिएटेड, दिस इज टोटली रॉन्ग. क्लियर? दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू रीड द फाइल लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल. तो हमने फाइल्स लाइन रीड करनी है. देखो आपने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने फाइल ओपन की, रीड किया. रीड से क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग विल बी रीड, कंप्लीट डाटा. बट व्हेन एवर यू आर यूजिंग द रीड लाइंस, तो आपकी एक एक लाइंस क्या होंगी, एज द शेप ऑफ लिस्ट. उन्होंने क्या रीड करने के लिए कहा है, फर्स्ट लाइन, सिर्फ एक ही लाइन रीड करने के लिए कहा है. तो आपने अगर आप यहाँ पे रीड लाइन अकेला लगाओगे तो इट विल रीड ओनली फर्स्ट लाइन. ठीक है, एक ही और रीड लाइंस में सारे के सारी लाइंस और वो लिस्ट की फॉर्मेट में सेव हो जाए. क्लियर? तो रीड लाइन विल बी रीड ओनली सिंगल. अगर आपको कहीं 10 कैरेक्टर रीड करने हैं तो रीड लाइन ब्रैकेट 10 में 10, तो 10 बाइट्स रीड होंगे. क्लियर? Next is assume that the position of the file pointer is at the beginning of a third line in the text file. Which of the following option can be used to read all the remaining lines? Current position से end तक सारा read करना है. तो read अब आपके पास read function ही होता है बेटा. Current position से file के end तक सारा. Clear? By default, when we open the file, we are at the beginning of the file. ठीक है, वो बिगनिंग से लेके लास्ट तक रीड करेगा. बट इफ यू आर इन थर्ड लाइन, इट विल स्टार्ट इन द रीडिंग थर्ड लाइन ऑफ फंक्शन.
If text file student.txt is stored in the storage device, identify the correct option out of the following. There is a student.txt is saved in storage device, identify the correct option. तो हमने इनमें से कौन सा करेक्ट है, फाइल को ओपन करना है और ओपन भी आपने करना है then second one, third one, fourth one तो बिल्कुल ही गलत है, mode is not given here. तो here is यहाँ पे fourth one हमारे पास. अब ये है कि here is not it is a text file, binary file नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही होगी ना, आरबी. तो इट मींस इट इज सेकंड वन आपके पास. वी कैन ओपन द फाइल इन रीडिंग मोड एंड वी कैन आल्सो ओपन द फाइल डिवाइस इन द रीड. ठीक है, तो रीड मोड के लिए हमारे पास कौन सी है, थर्ड. पर थर्ड ऑप्शन इज नॉट हियर. I think third and fourth. I'm checking one in the middle. Option number, question number seven. Here is third and fourth. I'm here checking this. If mode is not given, it will be always reading mode. I'm checking this. Okay. ऐसे करते हैं, पाइथन में एक फाइल बनाते हैं. इसमें हम टाइम, दिस इज lab. ठीक है, सेविंग दिस इन डेस्कटॉप विद एक्सटेंशन विद नेम ऑफ द फाइल इज न्यू डॉट txt. हियर वी आर ओपनिंग द फाइल, सॉरी क्रिएट ए न्यू फाइल. वी टेक फाइल पॉइंटर f. Open, but name of the file is new dot txt. We are not giving the mode. By default mode will be reading mode. ठीक है, and after that we are using here w is equal to f dot read function and print w. So every data is saved in W. W is a string. Top to लेके bottom तक सारा data होगा. And after that, we close the file. W is not defined. W to name हमने define किया ही हुआ. सर आपने ऊपर सर आपने ऊपर capital लिया नहीं, wait, small लिया. Wait, wait, capital. W should be in capital letter. So there data is there. ठीक है. So in case if mode is not given, by default it is a reading mode. ठीक है. So here option number 3 and 4 are correct, that is C1. Section clear? So note down here, by default if mode is not given, it is a reading mode. Next is the return type of input function is, when we use input function, so data is in which format?
स्ट्रिंग में होता है, इंटीजर में होता है, लिस्ट इट इज इन अ स्ट्रिंग में. तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर और फ्लोट. तो आंसर इज स्ट्रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग. प्लस चलता है, डिवीजन नहीं चलता. ठीक है, आंसर इज डिवीजन. क्लियर? पेपर इज इजी ना. कंसीडर द टपल. टपल इज गिवन. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन द एरर. तो हम प्रिंट करेंगे सेकंड पोजीशन 01 हो जाएगा. वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल एलिमेंट्स. सो हियर बी इज रॉन्ग. क्लियर? इनकरेक्ट. अगर ये लिस्ट होती तो वी कैन चेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमोरी. यस, सेम फॉर्मेट होता है जिसको हम व्यू करते हैं और यहाँ हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, सेम है. नो करेक्टर ट्रांसलेशन टेकन प्लेस. यस, ठीक है, क्योंकि देर इज नो एनी ट्रांसलेशन इज योर. Every line ends with a new line character. The pickle module is used for pickle module use होता है, ठीक है? उसमें new line character नहीं होता. New line character सिर्फ text file में होता है. जब आप enter की press करते हैं तो new line character हमेशा किसमें होता है? हमेशा in the case of text file. So here 11th answer is C. 11th का कौन सा answer है? C. Next is which is the significance of a tell method. When a tell method will give us the information about the current position of your cursor. ठीक है, seek function movement के लिए use होता है and tell function हमें बताता है कि आप किस समय किस position के ऊपर हो. यहाँ पे tell the path of the file. No, ये तो उसकी आपका cursor कौन सी location के ऊपर है. Suppose here my cursor is in third position, तो ये बताएगा tell function. Second is tell the current position of the file pointer within the file. Yes. Tell the end position. No. Check the existence of the file. No. तो ये कौन सा होगा? It's a B1. 12th का B. Clear? Next is which of the following statement is true? Pickling create an object from the sequence of bytes. Pickling is used to object serialization. Pickling is used to object deserialization. Pickling is used to manage all type of files, not all binary files होती हैं. तो pickling से क्या होगा? Create an object from a sequence of byte. इसे I think A1 is correct here. Check कर लेते हैं इसपे. B1 है. ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है? Pickling is used to object serialization. बेटा नोट ऑन दिस, आई विल चेक वन दिस वन. सीरियलाइजेशन. पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन. आई एम चेकिंग दिस मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज द सीरियलाइजेशन. सो क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट इज सिंटैक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक देन offset and reference point. Here by default the reference point is beta 0 is from the beginning of the file. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है by default it is always 0. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं. In your book there is a given here seek function. So mode is 0 for the beginning of the file. By default it is beginning of the file. 0, 1, 2. 1 क्या है? Current position. और 2 क्या था? End of the file.
बट टू इज नॉट वर्किंग हियर. हमने करके भी देखा है टू वर्क नहीं करता. बट गिवन जीरो मीन्स आपकी सी कर्व में अगर हम जीरो लगाते हैं, देखो बेटा इधर, इफ वी आर यूजिंग हियर एफ डॉट सी, ठीक है, एंड देन वी यूज 30 कैरेक्टर्स कॉमा जीरो. हाँ समझा रहा हूं सिर्फ आपको, फाइल तो मैंने क्रिएट की नहीं ना. तो ये क्या होगा, जीरो लोकेशन से बिगिनिंग से 30 कैरेक्टर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है. बट सपोज आई एम यूजिंग योर वन, आई एम इन द 10th पोजीशन, तो इसका मतलब है करंट से, करंट पोजीशन से 30th कैरेक्टर आगे जाओ, ठीक है. और अगर मैं यहां पे यूज करूं टू एंड ऑफ द फाइल, तो एंड ऑफ द फाइल आगे तो जा नहीं सकता, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस 30 कैरेक्टर पीछे के तक. तो 0 1 2 मींस, 0 मींस बिगिनिंग, 1 मींस करंट, और 2 मींस एंड. बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज 0. इफ आई एम नॉट यूजिंग हियर 0, इट मींस ऑलवेज फ्रॉम द बिगिनिंग से 40th कैरेक्टर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर. तो फंक्शन हेडर में क्या क्या होता है, फंक्शन का नेम होता है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट होती है. तो बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट. यहां पे हमने आर में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, नॉट पॉसिबल, ठीक है. अगर आपने पी को दी है रिटर्न वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, तो आपको आर को भी देनी पड़ेगी. सेकेंड अगेन जो रॉन्ग, टी में नहीं मिली, सी में अगेन क्योंकि हमने टी को नहीं दी, बट डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. तो 16 का डी आंसर है, 16 का डी आंसर है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स एक्ट एज ए डिफॉल्ट डिलिमिटर इन सीएसवी फाइल. सीएसवी फाइल में डिलिमिटर कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट, कॉमा, ठीक है, कौन सा होता है बेटा, कॉमा. आप चेंज कर सकते हो, आप कॉलन भी लगा सकते हो, आप हाइफन भी लगा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज कॉमा. तो आंसर इज 18C. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, सिंटेक्स फॉर ओपनिंग द फाइल student.csv इन राइट मोड इज विच इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन. बेटा इससे क्या होता है, अगर आप न्यू लाइन नहीं लेते तो उसके उससे क्या होगा, एम्प्टी लाइन्स आती हैं, ठीक है. तो इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है कि एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड, एम्प्टी स्ट्रिंग गेट अपेंडेड टू ऑल लाइन, एम्प्टी स्ट्रिंग गेट अपेंडेड टू द फर्स्ट लाइन, ये सारा रॉन्ग है आपके पास. न्यू लाइन गेट एडिट टू द फाइल. तो यहाँ पे इट शुड बी डी वन, 19 का डी होना चाहिए, ठीक है. एंड ऑफ लाइन सप्रेस्ड मीन्स वो लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन्स है दैट विल बी नॉट एडिड इन द सीएसवी फाइल, ठीक है. ये बेटा लिख भी लो इसको, ये दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हेन वी आर यूजिंग न्यू लाइन इन द सीएसवी फाइल, एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड. इचमनी इट इज क्लियर? यस सर. नेक्स्ट इज what is the correct expansion of csv file, comma separated values. So this is b1, question number 20 b, question number 20 b, comma separated values. Which of the following is not a function or method of csv module. csv mein read nahi hota, theek hai. तो आपके पास उसमें राइट रो होता है, ठीक है, रीडर इज हियर, राइटर इज हियर, बट रीड इज ए फंक्शन ऑफ टेक्स्ट फाइल, ठीक है. ये सीएसवी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 21 का इज ए, 21 ए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल डॉट py, इट इज ए c1. Which of the following symbol is used in Python for single line comment? Single line comment के लिए क्या use करते हो?
हैश, ठीक है, और मल्टीपल लाइन के लिए हैश स्लैश स्टार स्लैश स्टार. इट मीन्स इफ यू इफ आई एम यूजिंग हियर सिंगल लाइन कमेंट आई विल यूज हैश दिस इज माय प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज सिंगल लाइन. अदरवाइज स्लैश स्टार दिस इज माय प्रोग्राम एंड यूज स्टार एंड स्लैश इट. तो ये मल्टीपल लाइन है, क्लियर. सिंगल लाइन के लिए हैश. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन ए बाइनरी फाइल रिकॉर्ड डॉट बिन इन राइट मोड एंड राइट द डेटा. लिस्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है. अब आपने क्या कर रहे हो, इस लिस्ट को अपने फाइल में राइट कराना है, तो कौन सा आपके पास सीक्वेंस होगा. तो आपने सबसे पहले फाइल ओपन की, ठीक है, मोड इज राइटिंग, तो आर बी, ठीक है, इट्स हियर, आर बी इज हियर, ठीक है, ये भी ठीक है, आर बी प्लस, इसकी जरूरत ही नहीं थी. दिस इज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है. ए बी, ए बी इज फॉर अपेंड मोड, ये सारे वर्क कर सकते हैं राइटिंग के लिए. अब उसके बाद हमने क्या करना था, लिस्ट राइट करनी है. लिस्ट हमारे पास ये है, ठीक है. फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई फाइल, तो दिस इज करेक्ट. पर ये क्या है, दिस इज नॉट ए फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट क्या था, माई फाइल, ठीक है. यहाँ पे माई फाइल नहीं है, दिस इज रॉन्ग, इसमें माई फाइल नहीं, ये भी रॉन्ग, दिस भी माई फाइल नहीं है, दिस इज रॉन्ग. विच वन इज, इट इज ए, 24th A. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सक्षम, क्लियर हो रहा है ना. Which of the of these about a dictionary is false? तो dictionary हमने की थी, यहाँ पे key value combinations बनता है. The value of a dictionary can be assessed using keys. Yes, using keys. Clear है ना, कैसे ऐसे बना है, क्रक करके बताओ. हाँ, जैसे हम ऐसे देते थे ना इसमें. Yes. फर्स्ट की वैल्यू, ये सेकंड की वैल्यू, ठीक है. जब हमने इसको असेस करना है, सक्षम, इसको अगर हमने असेस करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें इंडेक्स तो हमारे पास है ही नहीं. तो जब हम लिखेंगे एफ स्क्वायर ब्रैकेट में वन, तो किसको असेस करेगा, वन को, ठीक है. तो दिस इज की, दिस इज वैल्यू. द वैल्यू ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी असेस यूजिंग कीज. यस, कीज ऑफ द डिक्शनरी कैन बी असेस यूजिंग वैल्यू. तो वैल्यू के थ्रू आप डिक्शनरी के निकाला जा सकता है पॉसिबिलिटीज से. डिक्शनरी आर नॉट इन नॉट ऑर्डर्ड. यस, ऑर्डर्ड में नहीं होती, सीक्वेंस में नहीं होती. 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग इज हियर इन द केस ऑफ लिस्ट एंड टपल, बट हियर इज नॉट. डिक्शनरी इज म्यूटेबल, इसमें वैल्यू एड हो सकती है, म्यूटेबल है, ठीक है. डिक्शनरी एंड लिस्ट बोथ आर म्यूटेबल इन नेचर, ठीक है. आप उसके न्यू एलिमेंट एड कर सकते हो, ओल्ड वैल्यूज को चेंज कर सकते हो. पर इसमें जो के आपके पास जो है असेसिंग ऑफ द डिक्शनरी इज विद हेल्प ऑफ कीज, नॉट विद हेल्प ऑफ वैल्यूज. वैल्यू की हेल्प से नहीं आप असेस करते, किसकी हेल्प से करते हो, कीज की हेल्प से. हाँ, इनडायरेक्ट वे से आपको वैल्यू से कीज निकाल सकते हो, पर असेसिंग इज प्राइमरली विद द हेल्प ऑफ कीज. तो हियर इज 25B. 25B इज. नेक्स्ट इज हियर वी डिक्लेयर, दिस इज रॉन्ग बेटा, दिस इज नॉट अ वे टू डिक्लेयर टपल. मैंने कल क्या कहा था, इफ सिंगल वैल्यू इज हियर तो हमें क्या यूज करना चाहिए थे, कॉमा यूज करना चाहिए था. अब तो ये इसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू, तो क्या आंसर आएगा, 200. नॉट ए टप्पल, ये टप्पल तो बने ही नहीं. टप्पल लगाना है तो हमें क्या करना पड़ना था, 100 के साथ कॉमा लगाना था, तभी ये टप्पल बनेगा. अंकिता, क्लियर.
अब नहीं सिंटेक्स एरर क्या, वो ब्रैकेट आप ले लो, ये देखो इसमें पाइथन, ये देखो इसमें ब्रैकेट में हमने 100 ले लिया, ठीक है। अब जब हम एक्स डिस्प्ले करेंगे तो 100 आ गया, वो 100 ही है, क्लियर। नेक्स्ट इज टैक्स फाइल इज हियर, ठीक है, हमने फाइल, वी ओपन द फाइल, देन वी रीड लाइंस, इसका मतलब डाटा, डाटा इज अ डिक्शनरी। अब उसमें डाटा कैसे आएगा, देखो जो डाटा में डाटा क्या होगा, लिस्ट, उसमें डाटा कैसे आएगा, ये देखो इधर मैं कॉपी करके बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसमें जो डाटा होगा, डाटा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये रीड फंक्शन होता ये सारी स्ट्रिंग बन जानी थी टॉप टू बॉटम, पर अब यहां पे क्या बन रहा है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा, दिस इज सेकंड एलिमेंट, सेकंड लाइन, ठीक है, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज योर, ये आपका इस तरीके से आपके पास डेटा बन गया, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज आफ्टर दैट वी प्रिंट द लेंथ ऑफ डेटा, तो डेटा में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, तो आंसर विल बी 4, इट इज बी, आंसर इज बी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, सो वन नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के आंसर एक और लिस्ट है, ठीक है। अब आप वन डिस्प्ले करोगे तो एक्स वन, तो एक्स वन क्या हो गया, ये वाला, ये वन, ये वाला, ये जीरो है, ये पूरा पूरा जीरो है, ठीक है, ये पूरा जीरो है, ये क्या है, वन, ठीक है। तो हमने एक्स वन का टू, तो उसका ये जीरो है, ये वन है, ये क्या है, टू, तो वेन एवर वी आर यूजिंग एक्स वन टू इट विल डिस्प्ले 15, सक्षम, क्लियर। सो दिस इज योर 00, दिस इज योर 01, दिस इज योर 02, दिस इज योर 10, दिस इज 11, दिस इज 12, सो आंसर इज 15, 28 आंसर इज 15। नेक्स्ट इज वी स्टार्ट फ्रॉम द टू लेस देन 9, मतलब 8 तक, एंड वी आर डिस्प्लेइंग एक्स, और हमने लाइन चेंज नहीं की, तो हम लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इट इज अ सी। नेक्स्ट इज identify the output of the following statement, so many questions are from basics, for start loop start from 1 to 10, 1 to 10 means 1 to 9, every time increment is of 2, theek hai, to yahan pe nahi, isko rough work karna padega apne pehle, so here is value of a, first it will be 1, then 3, then 5, then 7, then 9, so total 1, 2, 3, 4, 5 five time loop will be executed, first mein humne b mein b ki value kitni thi, 1, usme add kya kar diya, a ki value plus 2, to a ki value kya hai, 1, theek hai, aur usme 2 add, to ye ho gaya hamare paas 4, next time b ki apni value kitni hai, 4, ठीक है, 4 में हमने ऐड क्या कर दिया, हमने a की वैल्यू क्या थी, 3, ठीक है, प्लस 2, इट इज 9, नेक्स्ट टाइम b की वैल्यू कितनी है, 9,
और ए की वैल्यू 5 और 2 ऐड कर दिया 14 16 हो गई यहां पे वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज 16 प्लस 7 प्लस 2 इट इज 25, देन 25 प्लस 9 प्लस 2 तो इट इज 36, तो आंसर शुड बी 36। चेक करते हैं आंसर क्या है, आंसर इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट इज हियर, तो इंसर्ट ये क्या है, इंडेक्स ये क्या है, वैल्यू। तो हमारे पास ये वैल्यू थी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा। तो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। अब हमने थर्ड लोकेशन के ऊपर 4 ऐड कर दिया, 0 1 2 3, ठीक है, 3 में 4 ऐड हो गया। उसके बाद 2 में 3 ऐड कर दिया, तो 0 1 2 2 यहां पे हमने ऐड कर दिया 3। और उसके बाद हमने प्रिंट किया है -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 आंसर इज 3, तो आंसर इज 3। क्लियर? नाउ वन टपल इज देयर, ठीक है, बाइनरी फाइल इज गिवन देयर, हमने फाइल पिकल इंपोर्ट किया, टपल डिक्लेयर किया, ठीक है, फाइल को हमने ओपन किया राइटिंग मोड में। अब पिकल यहां पे कौन सी स्टेटमेंट आएगी, तो हमने डाटा राइट करने के लिए कौन सी होती है, डंप, ठीक है। तो पहले क्या आता है, लिस्ट या डिक्शनरी, फिर आता है फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर हमारा कौन सा है, माय फाइल, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इन्होंने फाइल पॉइंटर पहले ले लिया, टप्पल या डिक्शनरी बाद में लिए, रॉन्ग। सेकंड में हमने डिक्शनरी टप्पल ले लिया और उसका फाइल पॉइंटर, दिस इज करेक्ट, राइट फंक्शन हो नहीं सकता, लोड फंक्शन हो नहीं सकता, आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। वन फंक्शन इज गिवन देयर, ठीक है, फाइल को हमने ओपन किया रीडिंग मोड में, बाइनरी फाइल है, ट्राई लगाया जब तक हमें रिकॉर्ड मिलते रहेंगे, हर बार हमने रिकॉर्ड रीड किया, अगर हमारे पास R0 जो हमने रोल नंबर प्रोवाइड किया है, ठीक है, हमने कॉल करते वक्त, फंक्शन कॉल करते वक्त नीचे देखते हैं, when the above mentioned function display 103 is executed, 103 display के साथ वो कह रहा है 103 अगर हम भेजे, तो 103 किस में चला गया, e नंबर में, ठीक है। अब अगर हमारे पास R0 में 103 है, ठीक है, R0 में 103 कौन सा है, ये, ठीक है, हर बार एक एक रिकॉर्ड आएगा ना, उसमें ये जीरो लोकेशन, ये वन, ये टू, तो जीरो लोकेशन के ऊपर क्या है, 103, अगर दोनों मैच कर गए, अब हमने क्या करना है, हमने सम टोटल में वो वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारे पास सम टोटल क्या था, जीरो, जीरो में हमने क्या ऐड किया, टू, दैट इज 30,000, तो जीरो प्लस 30,000 30,000, तो वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी लाइन, इनमें से क्या आना चाहिए, बेटा देखो लूप अदरवाइज कंटिन्यू चलता रहता है, अगर हमें रिकॉर्ड मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक से क्या होता है, पूरा का पूरा लूप क्लोज हो जाता है, और अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जंप फ्रॉम द ऑब्टेन द अबव आउटपुट, ब्रेक भी तो चल सकता था, इन्होंने क्या लगाया, कंटिन्यू, ये ब्रेक से भी चल सकता है, सर ब्रेक ही आएगा सर, कंटिन्यू तो सर वो आगे चल जाएगा सर, ब्रेक आना चाहिए आपका, तो ब्रेक होना चाहिए। ओके बेटा, इन फिफ्थ पीरियड वी विल डिस्कस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बेटा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।
Yes, sir.